नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव इंटरव्यू। और आज हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हैं, जनता सुरक्षा फाउंडेशन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित वशिष्ठ। मोहित वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। जनता सुरक्षा फाउंडेशन को बनाने का क्या लक्ष्य था, क्या विजन, क्या मिशन है आपका, किन चीजों को लेकर के बनाया? क्योंकि देश में तमाम फाउंडेशन चल रहे हैं, तमाम संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन जनता सुरक्षा फाउंडेशन, ये नाम कहाँ से आपको सूझा, कैसे लगा कि नहीं इसको बनाया जाए, लोगों की मदद की जाए? क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे संगठनों में जुड़ करके भी किया जा सकता था, क्या वहां पर ऐसी चीजें नहीं थी? आपको क्या लगा कि ये कमी है और इसको जो है हम पूरा कर सकते हैं, ये चीज बना करके? जी जी सर, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पा रही हैं। काफी एनजीओ इस प्रकार से खोल लिए जाते हैं, केवल समाज सेवा के उपलब्ध है और कुछ दिनों तक चलते हैं वो, तो उसके बाद बंद हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य ये है यदि कोई भी सामाजिक संस्था खोली जाए या चलाई जाए, संचालन किया जाए, जमीनी स्तर से काम किया जाए, कई बार जनता की सुरक्षा की, जनता का जहाँ शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, वो सारी चौकियों में होता है, अधिक से अधिक यहाँ सुनवाई नहीं होती है। ऐसे कुछ समस्याओं को लेकर के जनता सुरक्षा फाउंडेशन का गठन किया गया है, क्योंकि काफी शुभकामनाएं आई हैं आपकी तरफ से। पहले तो हम आपको जो है मैं बधाई भी दे रहा हूँ कि आपके संगठन की तरफ से मिस्टर विट्टू कुमार जो है लिखते हैं, जनता सुरक्षा फाउंडेशन जिला अध्यक्ष हैं विट्टू कुमार की तरफ से दिल से प्रणाम लिखा गया है। आपके रजत कुमार जी ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं और साथ ही आपके ऑफिशियल पेज की तरफ से भी, जनता सुरक्षा फाउंडेशन की तरफ से भी लिखा गया है। और इसके साथ ही वेद प्रकाश छोटे लाल की तरफ से भी ये मैसेज आया है। और महोरन वर्मा जी हैं जो आपके जीएसएफ से ही शायद जुड़े हैं, उसके बाद में मोहित अवस्थी जी का भी जो है मैसेज आया है आपको बधाई का जनता सुरक्षा फाउंडेशन के लिए, और उन्होंने जय हो लिखा है। जी प्लीज कंटिन्यू। तो ऐसी समस्याओं को लेकर के जनता सुरक्षा फाउंडेशन का गठन किया गया है, जैसे सामाजिक मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, उत्पीड़न है, महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, जन सुनवाई नहीं होती है, इन मुद्दों को लेकर के जनता सुरक्षा फाउंडेशन का गठन किया गया है। इससे जनता सुरक्षित रहे, यही नहीं होता है कि किसी जगह पर फहरा दिया जाए तभी जनता सुरक्षित हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं होता है। संपूर्ण रूप से ये उद्देश्य होता है कि जनता संपूर्ण रूप से अपने अधिकारों को प्राप्त करे, तभी जनता सुरक्षित रह सकती है। जहाँ मानव अधिकारों का हनन होता है, उनकी रोकथाम के लिए हमने ये गठन किया है। और समाज में आपको लगता है कि समाज में आपको लगता है कि बहुत सारे कानून हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, जिन्हें अगर समय रहते अगर बदल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहे, सरकारें अगर इन पर काम करें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत तकलीफें होती हैं, दिक्कतें और समस्याएं भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि कानून अच्छे ना हो तो फिर उनको उन पर अमल कैसे किया जाए? जो नई समस्याएं हर रोज पैदा हो रही हैं उनको लेकर के क्या सरकार को ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए, कैसे देखते आप? बिल्कुल उठाने चाहिए। देखिए, शासन से जनता की यही आशा रहती है कि शासन अच्छा आए, शासन बढ़िया तरीके से काम करे, और प्रशासन के लिए दृष्टिकोण बना करके इस प्रकार से रूपरेखा तैयार की है जिससे जनता सुरक्षित रहे, उनके अधिकारों को हरण ना हो पाए, उनके अधिकारों की रक्षा हो। जैसे कि अब आपने देखा होगा किसी चौकी में जाए पीड़ित FIR लिखवाने, तो सबसे पहले उसको इस प्रकार से, मतलब एक तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि वो पहले से ही पीड़ित ना होकर के वही अपराधी हैं, वही दोषी हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से उनसे बातचीत जो की जाती है कि वो पीड़ित नहीं है, वो तो स्वयं अपराधी है। अगर किसी ने कहा मेरा मोबाइल खो गया साहब, तो वो इस तरह से बातचीत की जाती है, कहाँ खोया, कितने बजे खोया, कैसे निकला, क्या हुआ, किसने चुराया, तो वो इस तरह से कि वो खुद ही अपराधी है, उसने अपना ही वॉलेट अपने आप ही चुराया है। तो इस तरह से जो व्यवहार है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, अधिकारी और जनता का एक साथ समन्वय जो है बन सके उसके लिए तमाम एनजीओ और फाउंडेशन बनाए जाते हैं। तो अभी तक कितने राज्यों में आप काम कर रहे हैं वर्तमान समय में, और कितने जिले जो है अभी तक आपके अंडर में जो है जहां आप जो है कार्य लगातार आप बना रहे हैं? जी, अपना जो जनता सुरक्षा फाउंडेशन है, 7 राज्यों में काम कर रहा है फिलहाल में, वर्तमान की स्थिति में।
और बिहार से है, राजस्थान से है, उत्तराखंड से है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से है इसका संचालन। और आपका दिल्ली रहा, ऐसे काफी राज्य हैं जहाँ बढ़िया तरीके से कार्य हो रहा है और हमारा जन सहयोग, हमको जन सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और जहाँ शासन के प्रशासन के ईमानदार लोग हैं उनका भी सहयोग प्रदान हो रहा है। बिल्कुल, शासन प्रशासन में ईमानदार लोग हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी क्या कहोगे जो कहीं ना कहीं ईमानदारी की कीमत भी हमारे बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्हें चुकानी पड़ती है, जो काम तो अच्छा करते हैं लेकिन ऊपर से प्रेशर बनाया जाता है, कहीं मंत्री जी से प्रेशर बनाया जाता है, कहीं विधायक या मंत्री के अगर कहीं कुछ मामले हैं जनता के बीच में तो वो काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनकी जांच को प्रभावित किया जाता है, उनके काम को प्रभावित किया जाता है, उसे कैसे आप देखते हैं जो हस्तक्षेप होता है? देखिए, जहां राजनीति संरक्षण, हाँ, जहां राजनीति संरक्षण में किसी केस को दबाया जाता है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग ज्ञापन देते हैं, सीनियर अधिकारियों को अपने बाहुबल दिखाते हैं और धरना देते हैं, विरोध करते हैं ऐसे भ्रष्टाचार नेताओं का, भ्रष्टाचार अधिकारियों का खुलेआम विरोध भी करते हैं और आगे की परिस्थितियों को संवारने का काम। बिल्कुल, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्यवाही होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही ये ध्यान रखा जाए कि जो हस्तक्षेप करने वाले मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उन कार्यवाही उन पर भी होनी चाहिए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित करते हैं, वो कार्य को प्रभावित करते हैं, वो सही अधिकारियों को सही ढंग से काम करने नहीं देते। जी जी, ऐसे राजनेताओं पर मैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है, उनसे यही अनुरोध करूंगा, सत्ताधारी कुछ भ्रष्ट नेता हैं, छोटे क्षेत्र के स्तर के नेता हैं, उन पर कार्रवाई अवश्य हो, क्योंकि वो प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न पैदा करते हैं और मानव अधिकारों का संपूर्ण रूप से उल्लंघन भी करते हैं। जी, जनता को परेशानियां क्या क्या, किन किन परेशानियों को आपका संगठन देखता है, क्या क्या समस्याएं हैं जिनको आप अधिकतर जो है ज्यादातर आप उठाते हैं, वो कौन सी समस्याएं? जी, जनता की जो आम समस्याएं हैं वो कानूनी क्षेत्र से संबंधित है। हमारे मुख्य कार्यालय पर जनपद कासगंज में मेरा मुख्य कार्यालय है, यहाँ पर आए दिन तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया था कि दरोगा जी ने साहब हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी या हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था, पीड़ित को अपराधी बनाकर के 151 में चालान कर दिया जाता है, ऐसी काफी समस्याएं हैं, ऐसी समस्याओं के विरोध में हम लोग काम करते हैं, अधिकतर कानूनी क्षेत्र में मेरा कार्य। जैसे समय समय पर सोशल वर्क भी किया जाता है, पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, ऐसे लोगों को दवाइयों की भी व्यवस्था की जाती है, सरकारी दवाइयों का वितरण किया जाता है, अपने जिले के सीएमओ को अवगत करा करके इस विषय में, और अन्य भी सेवाएं दी जाती हैं जो सोशल वर्क से संबंधित। संगठन बनाने का जब ख्याल आपके मन में आया तो ये भी आया होगा कि हमें कल को पुलिस से भी उलझना पड़ेगा, सरकार से भी उलझना पड़ेगा, इसको लेकर के जो है वहां के जो अधिकारी हैं वो सहयोग भी करते हैं और उलझते भी होंगे, जाहिर सी बात है, तो ऐसे भी बहुत सारे मामले आए होंगे जिनमें जो है अधिकारियों ने आपके संगठन की सहायता ली हो? जी, ऐसे मामले आते हैं, ऐसी बात नहीं है, आते भी हैं, हम पूरा सहयोग भी करते हैं, ईमानदार अधिकारियों का सहयोग करते हैं इस विषय में, और उनके लिए एक तरीके से हमारा प्रशासनिक सामाजिक संगठन है, राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना संगठन का कोई संबंध है, तो स्पष्टता के साथ काम किया जाता है, उनका सहयोग भी किया जाता है। बाकी देश के युवाओं को कैसे आप देखते हैं, क्या उनको भी समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अन्याय करने वाला तो अपराधी है ही, लेकिन सहना भी अपराध है, उसको सहा नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। देखिए, देश के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, कि आप लोग राजनीति कीजिए वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी गरीब के साथ राजनीति ना करें, अपने अधिकारों को वंचित ना करें, अपने अधिकारों को पहचानें, और राजनीति करने के लिए काफी राजनेता है, लेकिन आजकल मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, राजनीति कम करें, देश के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, देश की सेवा जो करनी चाहिए, राजनीति को थोड़ा हटके करनी चाहिए, उस मार्ग पर यदि आए तो बेहतर रहेगा, देश का विकास भी होगा ईमानदारी के साथ में,
जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर भी रोकथाम करने का प्रयास सफल हुआ। महिलाओं को लेकर के कैसे आप देखते हैं, जो उनको बहुत सारे अधिकारियों अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ती हैं, उसके बाद में तलाक से तलाक का तो चलिए मुद्दा चला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी घरेलू हिंसा है, ऐसी चीजें हैं, क्या इसका मुख्य कारण आप मानते हैं कि ये जो घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है, नशा प्रवृत्ति जैसी चीजें जो है इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, या फिर बेरोजगारी, या फिर आप किसे प्रमुखता से इसको देखते हैं? घरेलू हिंसा जो है जो सदियों से चली आ रही है लेकिन अब धीरे धीरे कम भी हो रही, कानून है लेकिन उसके बावजूद भी जो दहेज प्रताड़ना वगैरह तमाम तरह के चीजें जो सामने आती हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसे केसों में यदि मामला न्यायालय में नहीं पहुंचा है, बाहर बाहर ही है, न्यायालय से बाहर है, थाने चौकियों तक यदि मामला पहुंचा है, तो हम संपूर्ण रूप से समझौता कराने का प्रयास करते हैं, दोनों पक्षों को बिठा करके समझौता कराने का प्रयास करते हैं। अब बात रहती है नशे से संबंधित, तो उनका उसमें भी सहयोग करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको थोड़ा मतलब बताया जाता है, कानूनी अधिकार बताए जाते हैं, यदि आप महिलाओं को इस प्रकार से, अपने घर की महिलाओं को इस प्रकार से परेशान करोगे तो आपको भी कानूनी मतलब कार्रवाई की जाएगी, थोड़ा उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, यदि न्याय से बाहर तो समझौता करा दिया जाता है उनको संपूर्ण रूप से। बच्चों को लेकर के कैसे देखते हैं, जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जो बाल श्रम क्या केवल एक ही प्रकार का है, जो बच्चे 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, कारण बस मजबूरी बस भीख नहीं मांगना चाहते लेकिन कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उसको अपराध की श्रेणी में जोड़ दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सिनेमा जगत में काम करने वाले बच्चे हैं, वो भी तो एक प्रकार का श्रम ही है, इसे कैसे आप देखते हैं? जो श्रम करना है तो अपराध है क्योंकि वो पैसा लेकर के श्रम किया जा रहा है, सिनेमा में वही चीज मान्य है और वही चीज जो है बाहर, ठीक दूसरी तरफ दूसरा मुद्दा कि अगर कोई जुआ खेलते मिल गया तो वो अपराध है, लेकिन ऑनलाइन गेम जो चल रहा है, ऑनलाइन जुआ जो खिलाया जा रहा है, 3 पत्ती 4 पत्ती जो भी चीजें हैं वो सामने आपके, शाहरुख खान या बड़े बड़े अभिनेता, सरकार उसको प्रमोट कर रही है, वो अपराध नहीं है क्या? ऑनलाइन खेला जाए, वहां भी तो पैसे से ही खेला जा रहा है, वहां तो करोड़ों का कारोबार हो रहा है, तो जहां अरब खरब पति अगर कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं तो वो स्कूल है, वो स्कीम है, उनके लिए कोई कानून वगैरह है या नहीं? अपराध की श्रेणी में केवल एक ही चीज क्यों रखी जाए कि नहीं कोई मध्यम वर्ग का है या फिर कोई उसको गरीब खेल रहा है जुआ तो गलत है, अपराध है, वही बड़ा आदमी अगर जुआ खेल रहा है तो सही है, सरकार की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, 3 पत्ती जैसे गेम में बताते हैं कि इस देश में दोहरे कानून जो है वो अपनाए जा रहे हैं, 2-2 कानून बने, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। देखिए, इसमें कुछ ऐसी सामाजिक जागरूकता अभी नहीं आई है और ये कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सामाजिक जागरूकता के आधार पर हम लोगों को, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो, इनका विरोध पूर्ण तरीके से करना चाहिए। मेन चीज ये है कि आपने कहा था कि कुछ गरीब लोग युवा खेलते हैं तो उसको अपराधी बना दिया जाता है और बड़े लोग अपने घरों में बैठ करके, बड़े बड़े होटलों में बैठ करके युवा खेलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये बात ठीक है कि राजनीति संरक्षण में कुछ गलत कार्य होते हैं, लेकिन इसमें जब तक संगठनों के लिए मजबूती प्राप्त नहीं होगी, जन सहयोग नहीं मिलेगा, तो ऐसे लोगों का विरोध करना उचित तभी होगा जब आप हमको जन सहयोग संपूर्ण रूप से मिल सकता है, जन सहयोग जितना अधिक मिलेगा उतना ही संगठन आगे की राजनीति बनाएगा, विरोध करने में सक्षम रहेगा, और भी मुद्दे हैं जनहित के उनके लिए उठाने में सक्षम रहेगा। बहुत सारे लोग जब उनके साथ चीटिंग हो जाती है, फ्रॉड उनके साथ हो जाता है, तमाम लोग ऐसे हैं, और शायद मैं ये समझता हूं कि लोगों को जिस तरह से कानून जो बनाए गए हैं वो आज के दौर में बदलने तो चाहिए ही, साथ ही उनमें संशोधन बहुत सारे कानूनों में जो है जरूरत है कि उनको संशोधित किया जाए, क्योंकि वो आज के दौर में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, उसका फायदा जो है वो अधिकारी भी उठा रहे हैं, उसका फायदा पुलिसकर्मी भी उठा रहे हैं, उसका फायदा सरकार भी उठा रही है, उसका फायदा राजनेता भी उठा रहे हैं। इस देश में एक नया जो है कानून लाने की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव जो है वो एक ही साथ करवा दिया जाए, क्यों अलग से पैसे खर्च हो, क्यों अलग से चर्चाएं हो, और एक साथ में करवा दिया जाएगा, फिर उसके बाद में 5 साल भर काम होगा, ऐसे क्या है पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव लगा रहता है, नेता जाते ही रहते हैं, उनके खर्चे बढ़ते ही रहते हैं, फिर उसको बुलाओ इसको बुलाओ, एक साथ चुनाव होगा
गांव का प्रधान कौन चुनना है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पार्टियों से खड़े होंगे, इसे कैसे देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन, एक चुनाव एक जी। इस विषय में यह है, ये वैसे अच्छा मतलब अच्छी व्यवस्था है राजनीति क्षेत्र में, ये अच्छी व्यवस्था है कि यदि एक साथ चुनाव कराए जाए तो काफी आर्थिक स्थिति में लोग ऐसा पैसा तो जनता का ही है, राजनेता उस पैसे के लिए जिस प्रकार से खर्च कर रहे हैं यदि एक ही प्रकार से खर्च किया जाए तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो आम पब्लिक की स्थिति खराब चल रही है फिलहाल में उसमें भी काफी सुधार होगा, देश के विकास में भी अच्छी गति प्राप्त होगी। लेकिन ऐसी व्यवस्था हो बढ़िया रहेगा, मैं पूरा सहयोग करूंगा, जन सहयोग भी प्राप्त होगा ऐसी व्यवस्था की। इस देश में जब किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो पूरे देश में जो है ऐसे तो हर महीने हर रोज 1,000 जो है संख्या जो आती गई कि एक महीने में कम से कम 1,000 जो है वो बलात्कार का ऑन रिकॉर्ड जो है वो FIR होती है। उनमें से भी जो राजनेता हैं वो ये देखते हैं कि कहां ब्राह्मण और दलित का मिल रहा है मेल मिलाप, कहां मुस्लिम ब्राह्मण का मिल रहा है, कहां क्षत्रिय के साथ मिल रहा है, कहां वैश्य के साथ, जहां अपना फायदा है वो केवल एक केस उठाते हैं और पूरे देश भर में वो मीडिया पर छा जाता है। पार्टी के बलात्कार के केस उठाए जाते नहीं है इस देश में। दूसरी तरफ जो है केवल बलात्कार बेटी के साथ ही दिखता है। भारत माता तो हम बड़े फक्र से कहते हैं लेकिन इसी भारत माता का बलात्कार करने वाले जो अधिकारी, बलात्कार इसलिए मैं बोल रहा हूं कि करप्शन, संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन उसी IAS IPS के घर में 1500 करोड़ निकलते हैं, 2500 करोड़ निकलते हैं, कैसे देश आगे बढ़ेगा? अगर इस देश के अंदर IAS IPS 1500 करोड़ लेता है तो क्या उसे फांसी पर नहीं टांग देना चाहिए ताकि करप्शन बंद हो? इस देश में बलात्कार और भ्रष्टाचार ये दोनों जो है बड़ी गंभीर बीमारी है, लेकिन बलात्कार अगर कोई बलात्कारी है, भ्रष्टाचार अगर जीवित रहेगा इस देश के अंदर तो बलात्कार होते रहेंगे, क्योंकि वो जज को खरीद लेगा, वकील खरीद लेगा, पुलिस खरीद लेगा, जांच खरीद लेगा, सब खरीद लेगा अगर करप्शन जो है व्याप्त रहेगा सिस्टम के अंदर। कैसे देखते हैं आपके सिस्टम में सबसे पहले हटाना जो है वो जरूरी है कि ये अगर करप्शन खत्म हो जाए, करप्शन फ्री इंडिया हो जाए तो क्राइम फ्री इंडिया ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर इस देश में घूस ही नहीं ली जाएगी तो लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे। जिनके पास 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ निकल रहे हैं, जिन अधिकारियों के पास, संविधान की झूठी कसम खाते हैं, क्या उनको फांसी पर नहीं टांग देना चाहिए? बलात्कार केवल बेटियों के साथ क्यों दिखता है? देश के साथ बलात्कार नहीं दिखता क्या? जी देखिए, इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश के अंदर बलात्कार पर जो राजनीति चलती है ये बड़ी निंदनीय है। छोटे छोटे जो मतलब पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां हैं, ये छोटे छोटे मतलब मुद्दों को लेकर के राजनीति करते हैं, और जहां तक कि बलात्कार पर या रेप पर जो राजनीति होती है बड़ी निंदनीय है। इस विषय को राजनीति से ना जोड़ा जाए तो बेस्ट रहेगा। दूसरी चीज आती है आपके भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार की बात यदि है तो भ्रष्टाचार के लिए तो 70 साल से जितनी भी सरकारें आई हैं, गई हैं, बदलती रही हैं, उन लोगों ने प्रयास किया है लेकिन उनका हर प्रयास नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूं उसको आप समझिए, हम सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर एक ऐसा कानून बने कि इस देश में अगर एक IAS IPS 640-645 जो जिले हैं उनमें अधिकारी होते हैं, अधिकतर होते नहीं, अगर IAS और IPS इन दो के लिए कानून खास करके बना दिया जाए कि अगर इनके घर में आय से अधिक संपत्ति पाई जाती है, 1 रुपए का भी अगर ये पाया जाता है, अगर 1500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ अगर इनके घरों में पाए जा रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या इनको फांसी पर नहीं टांगना चाहिए ताकि देश में जो है कानून व्यवस्था सही ढंग से स्थापित हो सके। इस देश में अपराध जो है वो करप्शन से बढ़ता है या फिर ईमानदारी से बढ़ता है? अगर कोई ईमानदार है तो फिर क्राइम कैसे हो रहा है? मतलब है कि जब तक करप्शन रहेगा रंग रंग देश का बलात्कार नहीं दिखता। भारत मां के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं हर रोज अधिकारी, वो भी तो दिखना चाहिए। बेटियों का बलात्कार बंद हो जाएगा अगर मां के साथ बलात्कार बंद होना जो है करना ये बंद कर देंगे तो इस देश में क्या ऐसा कानून नहीं आना चाहिए? इतने हजारों करोड़ की कमाई वो रख रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति हजारों करोड़ पर जो है जी जी बिल्कुल इस पर बिल्कुल कानून बनना चाहिए। मैं भी संपूर्ण संगठन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ इस कानून का पूरा सपोर्ट करता हूं, ठीक है ना। इस प्रकार से कानून आना चाहिए कि IAS IPS जो अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा पैसा मोटी रकम जाती है राजनेताओं के पास, इन्हीं के पास जाती है,
और ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा गलत कार्य पाए जाते हैं इन्हीं के द्वारा होते हैं, क्यों इन लोगों के पास पावर होती है, मेन चीज है। लेकिन ऐसा कानून अवश्य बनना चाहिए, इसके लिए हम पूरा समर्थन देते हैं, ऐसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, इस देश के अंदर अगर वकील बिकेगा नहीं, जज बिकेंगे नहीं, हमारे आईएएस आईपीएस अधिकारी नहीं जो है वो होंगे। लेकिन साथ एक और सवाल है, एफआईआर लिखने वाला, बारहवीं पास, जांच करने वाला, ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसकी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो जज हैं, वकील हैं, आप इनकी योग्यता आप देखिए कि वो उसकी जांच करते हैं और उनकी जांच जो है मांग लेते हैं। जो एफआईआर लिख रहा है, अगर वो बारहवीं पास एफआईआर लिखेगा, इन्वेस्टिगेशन करने वाला केवल ग्रेजुएट होगा, क्या जांच अधिकारी की योग्यता कम से कम जो है आईपीएस के बराबर नहीं होनी चाहिए, आईएएस के बराबर नहीं होनी चाहिए? जांच अधिकारी अगर आईएएस आईपीएस अगर होगा, उस लेवल का अधिकारी होगा, तो जांच निश्चित तौर पर सही जांच होगी, क्या इतनी योग्यता होनी चाहिए या नहीं? अगर ग्रेजुएट जो है वो जांच अधिकारी अगर होगा, उसी की जांच जो है वो जज मानता है, उसी की जांच पर बहस होती है लंबी तगड़ी, फिर जरूरत क्या है? अगर जांच सही ढंग से होगी तो बारहवीं पास जज भी, मैं कह रहा हूं अगर बारहवीं पास भी जज अगर बनाया जाए तो फैसला सुना सकता है, अगर जांच सही ढंग से होगी तो कोई भी फैसला सुना सकता है। लेकिन जांच अगर बारहवीं पास और ग्रेजुएट पास अगर करेंगे तो कैसे आप देखते हैं कि बारहवीं पास एफआईआर लिखे, ग्रेजुएट वाला जांच करे, उसके बाद में उस पर फैसला बड़े बड़े जज सुनाए जो लोग के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन जांच कौन करके लाया ये भी तो कम से कम देखने वाला है। क्या ये जो अंग्रेजों की परंपरा है वो बदलनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल बदलनी चाहिए, इस परंपरा में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। यदि मैंने पूर्व में भी कहा है, सबसे ज्यादा जनता का शोषण होता है ऐसी परंपराओं के आधार पर किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो इसी प्रकार इसलिए गलत की जाती है क्योंकि योग्यता इन्वेस्टिगेशन की योग्य है ही नहीं। लेकिन वो एक तरीके से जो पुरानी परंपरा जो चली आ रही है कानूनी आधार के आधार पर, उसको चेंज करना बहुत आवश्यक है। और जनता का शोषण इन चीजों से ज्यादा होता है। यदि ऐसी परंपराओं में, ऐसी व्यवस्थाओं में जब परिवर्तन होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की जो समस्याएं हैं वो कहीं तक बहुत अधिक तक मतलब समाधान होने में सक्षम है। जी, बहुत सारे देश हैं जहां लाई डिटेक्टर मशीन लगाई जाती है, झूठ पकड़ने वाला यंत्र जो है बहुत ज्यादा जो है प्रचलित है। कई देशों में जो है आजकल जब हम डिजिटल युग में जा रहे हैं, विज्ञान के युग में हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत जो है इजाफा भी हुआ है, बहुत ऐसी चीजें बनाई हैं, जैसे एम डी एन ए की बात करें तो वो विज्ञान से ही संभव है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपराध को कम करने में मददगार जो है साबित होती है, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ ये विज्ञान के द्वारा जो है बनाई गई और उसमें जो हर संभव मदद से ही ये संभव हो पाया है, लोग मन से तो जान नहीं लेते हैं। इस देश में सड़क बन रही है, रोजगार मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, क्या लाई डिटेक्टर मशीन प्रत्येक जिले में नहीं होनी चाहिए, क्या प्रत्येक थाने में नहीं होनी चाहिए? अगर एक कोशिश हो, जो छोटे मोटे जो अपराध हैं वो तो एफआईआर तक पहुंचे ही नहीं, पहले दिन ही वो झूठ पकड़ने वाला यंत्र उन चीजों को पकड़ ले, क्या ऐसी व्यवस्थाएं अगर हर थाने में हो जाएं तो 100 में से मुझे लगता है कि एक दो ही एफआईआर लिखी जाएंगी। फर्जी लोगों के अंदर डर भी होगा, फर्जी लोग जाएंगे नहीं, झूठी गवाही देने वाले भी डरेंगे उस मशीन से कि कहीं हम पकड़ में आ गए तो हमको 10 साल की जेल करवा दी जाएगी। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं जो है विज्ञान की मदद और अधिक नहीं ली जा सकती? दूसरा, माइंड रीडर, जब हम देखते हैं कि माइंड रीडिंग की क्षमता जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है, बहुत सारे लोग जो है पढ़ लेते हैं दिमाग को और वो ये बोल देते हैं कि ये झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, क्या प्रत्येक थाने में माइंड रीडर की भी भर्ती होनी चाहिए या नहीं, ताकि केस जो है वो साथ के साथ वो हल हो सके, बहुत सारी चीजों में मदद मिल सके, अगर एक रोजगार भी जो है अलग मिलेगा, क्या विज्ञान की तकनीक की सहायता नहीं ली जा सकती हमारे ऐसे अपराधों को जो है कम करने के लिए और कम किए जा सके, उसके लिए क्या ये चीज सोचनी नहीं चाहिए? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। ये चीजें जितनी अधिक हो जाएंगी, जितना मतलब आधुनिक युग चल रहा है इस समय, जितनी डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी पुलिस के लिए उसमें काफी सहयोग भी मिलेगा केस डील करने में और काफी समय भी कम लगेगा और ईमानदारी से काम होगा। लेकिन इसमें यही है कि कुछ केस राजनीति क्षेत्र में ऐसे काम चलते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं लाना सत्ताधारी सरकार है या फिर पूर्व की जो सरकारें रही हैं वो लोग ये चीजें लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन लाना चाहिए इन चीजों के लिए कि जनता के हित में ऐसी चीजें आएंगी, ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी तो जनता के लिए भी लाभ होगा और देश का भी विकास होगा,
ऐसे हर थाने में ऐसी चीजें आनी चाहिए। जी बिल्कुल, कि थाने में अगर ऐसी चीजें बढ़ती हैं, हमारे पास जो है आधुनिक युग में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम विज्ञान की तकनीक की सहायता क्यों नहीं ले सकते हैं ताकि अपराध और कम हो सके। इतना लंबा क्यों किसी ने केस खींचना, अगर कोई बोल रहा है कि ये चोरी के आरोप में इन लोगों को लाए हैं तो उनको साथ के साथ ही हल कर दिया जाए, वो अदालत तक क्यों पहुंचे। लोगों के अंदर डर भी रहेगा कि हम अगर झूठी गवाही देते हैं तो हमें जो है ये सजा का ये प्रावधान है, झूठ बोलने वाले को भी उतनी ही सजा मिले जिस केस में वो फंसवा रहा है। अगर किसी ने 76 लगवाया, 76 में आजीवन अगर है और कोई महिला झूठा केस लगा रही है तो उस महिला को आजीवन सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो झूठ केस दर्ज करवा रही है। बहुत सारे केस फर्जी पाए गए, SC ST केस अगर झूठ दर्ज करवाया जा रहा है तो अगर 20 साल की सजा है SC ST में या 10 साल की सजा है 5 साल की है तो उतनी ही सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अगर SC ST लगवाने पर 8 लाख रुपए उसको दिए जा रहे हैं, अगर वो झूठा पाया जाता है तो 8 लाख रुपए उस पीड़ित को दिए जाने चाहिए। कानूनों में बदलाव होगा तभी यह संभव है कि लोगों के अंदर डर होगा। डर तो है नहीं, बोलते हैं झूठ केस होगा तो 6 महीने की सजा, साबित हो गया तो जिसके ऊपर साबित हुआ है 10 साल काटेगा 15 साल काटेगा, क्यों भाई जिसने झूठ लिखवाया उसको भी तो 10-15 साल काटने दो ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जा सके। नहीं, इसने झूठ लिखवाया तो झूठ की सजा 6 महीने जी। और अगर वो साबित हो गया सबूतों से छेड़छाड़ करके, देखा जाता है कि 95% 95% केसों में ऐसा होता है, छेड़छाड़ संभव है, टिकाऊ अधिकारी उस चीज को शुरुआत से ही बदल देते हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली चीज है कि अगर वो शुरू से ही अगर जांच को गुमराह करेंगे तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट तो सबूतों के आधार पर फिर जो सबूत आप बोल देंगे। डॉक्टर खरीद लीजिए तो आपकी जो है डॉक्टरी रिपोर्ट आपकी जो है वो वही मान्य होगी कोर्ट में, अब डॉक्टर साहब ने बदल दी। अगर एक भी डॉक्टर गलत रिपोर्ट बनाता पकड़ा जाए उसको फांसी का प्रावधान हो तो मैं ये कहता हूं डर बैठा रहेगा कि पैसे का क्या करेंगे अगर फांसी ही हो गई, डरेगा। फिर प्राइवेट जांच भी मान्य उसमें होनी चाहिए क्या, जैसे बहुत सारी चीजों में हम ये देखते हैं कि हमारी मेडिकल रिपोर्ट आती है लेकिन वो गलत अगर पाई गई तो ये कानून में बदलाव ये भी कर देना चाहिए। दुनिया के अन्य तमाम देशों में ऐसा संभव है, वो कहते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर से भी अपनी जांच करवाओ, दोनों का मैच हो। जो प्राइवेट डॉक्टर तो गलत करेगा नहीं, रिस्क लेगा नहीं क्योंकि उसको पता है उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो सरकारी जो अधिकारी और सरकारी डॉक्टर सरकारी वकील ये जो मिलकर के जो खेल करते हैं इनका खेल बंद हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। जी देखिए ऐसी चीजें होनी आवश्यक हैं क्योंकि भ्रष्टाचार हर विभाग में है और ये एक सामाजिक समस्या है, इसके लिए भ्रष्ट आचरण वाले जो लोग बैठे हैं चाहे वो अधिकारी हों या भी कोई भी हो, ये मानसिक रोग है एक तरीके से। हर व्यक्ति को थोड़ा लालच दे दिया जाए, वो ये नहीं देखता है मैं क्या काम कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ, कितनी गलत सीमा तक काम कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए मैं कुल मिलाकर यही कहूंगा कि कानूनी संविधान में जो कानून दिए गए हैं इनमें काफी चेंजिंग होने की आवश्यकता है और कुछ कानून इस तरीके से बनाए जाएं जो भयभीत वातावरण अपराधियों के लिए तैयार किया जाए। अपराधी आज के समय में बिल्कुल भयभीत नहीं होते हैं, जेल जाते समय सेल्फी लेते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसी जो कंडीशन अपराधियों की है तो ऐसे अपराधी किस प्रकार से डरेंगे। कानून जितना मजबूत होगा, जितना भयभीत होगा, कानून जितना भयभीत तरीके से किया जाएगा उतना ही लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण मिलेगा। बिल्कुल, कोई देशवासियों से तो आप अपील करना चाहते हैं, कोई ऐसी अपील जो आप चाहते हैं कि देश में हम युवाओं से करें, लोगों से करें, जनता से करें, अधिकारियों से, सरकार से, अगर कोई आप अपील चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो प्लीज। मैं ATV चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि जनता सुरक्षा फाउंडेशन का सहयोग करें और जनता सुरक्षा फाउंडेशन जैसे अन्य संगठन जो देश में जो संचालित है ऐसे सभी संगठनों का सहयोग करें और सामाजिक मुद्दों पर काम करें, राजनीति से थोड़ा दूर ही रहें क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा पाप होते हैं। सामाजिक संगठन हमेशा जन कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, सामाजिक संगठनों का सहयोग करें और जो कानूनी परिवर्तन होना चाहते हैं इसमें भी सहयोग करें, अधिक से अधिक सत्य के मार्ग पर चलें, अच्छे कार्य करें, नशा से दूर रहें, ऐसे में युवाओं को संदेश देना चाहता हूं। आजकल के वर्तमान स्थिति ऐसी चल रही है कि युवाओं की नशे की तरफ बहुत अधिक युवा प्रेरित हो रहे हैं, ऐसा ना हो क्योंकि यदि युवा ही नशे की तरफ चले जाएंगे तो फिर
देश का विकास कैसे हुआ, युवा देश की मेन रीढ़ होती है, मुख्य रीढ़ होती है, युवाओं को सोचना चाहिए, देश का विकास युवाओं से ही है। बहुत बहुत आभार, आप जुड़े और आपने बात रखी कि जनता की सुरक्षा होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए, अधिकारियों को मदद करनी चाहिए, उनको जो है अपनी जो सेवा वो दे रहे हैं वो ईमानदारी से करनी चाहिए, मजबूती के साथ उन्हें खड़े होना चाहिए, कोई चीज ऐसी ना हो जो प्रभावित हो और किसी की लाइफ बर्बाद हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है।